सुशांत ठाकुर दोस्तों, एक बड़ा मस्त एक 18 इयर्स ओल्ड का कमेंट आया था कि मैं रियल एस्टेट में हूँ और मुझे सेल्फ मेड मिलेनियर बनना है तो क्या करना चाहिए। वाह जी वाह, मौज कर दी। तो भाई देखो, आप सबसे पहले कि दुनिया के सबसे लकी आदमी हो कि 18 साल में आपने रियल एस्टेट आ गए हो, तो आप ऐसे ही बन जाओगे देखना 20-25 साल काम करते करते। लेकिन फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें क्या होता है, इंसान कामयाब या फेल नहीं होता, उसके प्लान होते हैं जो फेल या यू नो सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको प्लान करना होगा कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी चाहिए कि आप कैसे करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप गए रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने गए तो क्या बोलेगा, कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है ना। तो सेम यही चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए मिलेनियर बनना है, ठीक है। अब इसका ये सपना आ गया आपको, तो जो सक्सेस का पैटर्न है वो ये है कि इसको जो ड्रीम है आपका कि मैं बनूं, उसको आप गोल में कन्वर्ट करें। गोल कन्वर्ट कैसे होता है, जब आप स्मार्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हो। स्मार्ट मतलब SMART, ड्रीम को गोल में बना दो, नीड बना दो उसको, गोल को नीड बना दो, मतलब मेरी ज़रूरत है, मुझे बनना ही है, कुछ भी हो जाए चाहिए इतना पैसा। तो वो स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए कि यू नो मिलेनियर बनना है, कितने मिलियंस आपको चाहिए, यू नो। उसके बाद एम से होता है कि मेजरेबल होना चाहिए, ए से होना होता है कि अचीवेबल होना चाहिए, आर से होता है कि रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तक 5,000 कमाए नहीं और सीधा बोलने लगे, तो यू नो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या। टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। तो स्मार्ट अगर आप ड्रीम को कर देते हो, स्मार्ट ड्रीम जो है गोल बन जाता है, गोल को नीड में बदल देते हो, तो जरूर आपका पूरा होता है इच्छा। अब ये जब गोल बन जाए तो गोल को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे क्या करोगे। वो प्लानिंग जो है वो अभी एकदम से कोई नहीं बनता, 3 से 5 साल लगते हैं। अगर आज भी आप पूरा कोशिश करोगे तो ऐसे नहीं कि मैंने ड्रीम करा कि मुझे अगले महीने बनना है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो 3 से 5 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा और उस ड्रीम के पीछे दीवानगी के लेवल पे काम करना पड़ेगा। और काम क्या है, वो प्लानिंग होनी चाहिए कि ईयरली मैं कितना, अभी जैसे रियल एस्टेट में हूँ तो मैं कितनी ज़्यादा विजिट करा सकता हूँ, वही सबसे बड़ा सक्सेस का राज है। और कितनी विजिट कराने से कितने मेरे क्लोजिंग होते हैं, मेरा किस टिकट साइज़ में मैं काम कर रहा हूँ, है ना, तो कितना पैसा आएगा और लीड जनरेशन में कितना खर्चा आएगा, ओवरहेड भी रहेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें चैलेंजेस आएंगे तो उसके लिए क्या बैकअप प्लान है। ऐसी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग एटलीस्ट आपके पेपर पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई तो चाहता है ना करोड़पति बनूं, पर बनता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास सॉलिड कोई प्लान नहीं होता है। तो आपको वो भी प्लान, एक प्लान नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर इसमें कुछ होता है तो सेकेंड प्लान ये है, प्लान ये होता है, तब फिर आप 100% समझो कि बन जाओगे। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी के साथ बैठ के जो ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ आप जाना चाहते हो। अगर आप अपने आप जानते कि कैसे बनना है तो बन जाओगे, कोई ना कोई मेंटर आपको चाहिए जिससे आपका ये सफ़र है जरा आसान हो जाएगा, सक्सेस की गारंटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये प्लान भी हो गया, आपने ड्रीम देखा, ड्रीम को स्मार्ट किया, आपका गोल बन गया, गोल को आपने अपनी जरूरत बना ली, जरूरत बनाने के लिए आपने प्लानिंग की, आपके जो भी मेंटर हैं किसी के साथ बैठ के जो ऑलरेडी ये कर चुका है। आपको उसके बाद बिलीफ चाहिए, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो विश्वास से बहुत फर्क पड़ता है, तो आपको किस पे, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। रियल एस्टेट पे बिजनेस में होना चाहिए कि ये बिजनेस से मुझे हो सकता है। अपने जो भी मेंटर थे उन पे विश्वास होना चाहिए कि ये अगर मुझे सिखाते तो कर सकता हूँ, क्योंकि बिना विश्वास के आप दिल से काम करोगे ही नहीं। रिजल्ट कब आते हैं, जब आप दिल से काम करते हो। दिल से काम कब करते हो, जब आप अच्छे से जानकारी लेते हो, आपका आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। तो विश्वास कर लिया, उसके बाद एक्शन करना है। जो आपने प्लान किया था कि मैं ये, क्योंकि उसको आपने 3 से 5 साल का बनाया था गोल, उसको फिर ईयरली डिवाइड करो कि ईयर में कितना करूँगा, उसके बाद मंथली डिवाइड करो, उसके बाद वीकली डिवाइड करो, उसके बाद डेली करो, फिर अर्ली करो, और जो अर्ली किया है तो उस घंटे में क्या मैंने वही काम किया। वो प्लान को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो रेसिपी बनाई थी एकदम परफेक्ट उसको अंजाम दो। ऐसे नहीं कि अरे आज तो थोड़ा सा ये है कल से करता हूँ, ऐसे टालम टोल नहीं, जितना बोला था उतना उससे उल्टा एक्स्ट्रा करो। समझो आपने 3 महीने किया लेकिन आप जैसे सोच रहे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो और वापस से चेक करो कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ पे और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। पर मतलब नेवर गिव अप,
छोड़ना नहीं है कि नहीं करूंगा यार, नहीं हो रहे, हाँ कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस कोशिश करते रहना। तो उसको चेंज करो एंड देन वो जो भी आपने प्लान किया था उस पर एक्शन डालते रहो, जरूर आप, यही दुनिया का हर आदमी, कामयाब आदमी इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर आप ये करोगे तो 100% मिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर भी बन जाओगे, ये मेरा पूरा यकीन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।